അടുത്ത 25 വർഷം കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളും നാരീശക്തിയും പ്രധാന ഘടകങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്. आप सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं. वाराणसी में हमने देखा एक बूढ़ी दादी अपने 4 साल के पोते को कंधे पर लेकर आई और कहा कि मोदी इनके दादू हैं. और जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने कहा मोदी तो भगवान है. ये आपको लगता है कि काफी ज्यादा भार आपके ऊपर डालता है ऐसी भावनाएं? जब मुझे इस प्रकार की घटनाओं का पता चलता है या मैं भी जब कभी रास्ते में चलता हूँ तो ये अनुभव करता हूँ. जैसे बच्ची देखिए हाथ जोड़ करके बैठी खड़ी है. ये चीजें किसी भी व्यक्ति को भावुक करने वाली है. और पॉलिटिशियन के जीवन में शायद ऐसा रेयर हो सकता है कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद. और मैं देख रहा हूं कि भारत की नारी शक्ति आने 25 साल में भारत की गति के लिए दो मैं बड़े निर्णायक फैक्टर देखता हूं. एक हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा यानी उड़ीसा, हमारा झारखंड, हमारा बिहार, हमारा बंगाल, ये हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका है या पूर्वी उत्तर प्रदेश. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा जो ग्रोथ इंजन बनेगा. दूसरा मेरे देश की नारी शक्ति. 50% नारी शक्ति, उनका जिस प्रकार से सामर्थ्य निकल करके आ रहा है. जब मैं कहता हूं मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अवसर देने हैं. और मेरे गांव की बहनें लखपति दीदी बन के रहेगी, ये मेरा विश्वास है. जिस देश में इतनी सामर्थ्यवान मातृशक्ति हो, मैं गुजरात से आया हूं, हमारा पूरा जो डेयरी उद्योग है आज अमूल जो दुनिया में इतना मशहूर है, उसकी पूरी ताकत महिलाएं हैं, पूरा उद्योग महिलाएं चलाती है. आप लिज्जत पापड़ देख लीजिए, दुनिया में ब्रांड है लिज्जत पापड़, पूरी तरह महिलाओं के द्वारा ड्रिवन है. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी देश की महिलाओं में एक अभूतपूर्व सामर्थ्य है. और अगर हम हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को अवसर दे तो देश की इकोनॉमी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया नेतृत्व मिलेगा. और इसलिए मैंने G20 में आग्रह रखा है विमेन लेड डेवलपमेंट.